हेलो फ्रेंड्स सर, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज समृद्ध। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट कहाँ पे मोमेंटम किया था, बैंक निफ्टी को हमने कैसे ट्रेड किया था और उसमें हमने अपनी पोजीशन कैसे बनाई थी। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम लोग अपने बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स चार्ट्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। आज मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन जब भी मार्केट खुलता है तो हमेशा हमें पता है कि अगर एक नेगेटिव मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है तो उसमें हमेशा एक रिकवरी आती है। अब अगर फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें दिखता है कि जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो थोड़ी सी नेगेटिव बनी थी। यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था कि यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। हालांकि 1 मिनट में हमें प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल चुका था कि पोजीशन कहाँ पे बनानी है। स्टिल मैंने थोड़ा सा वेट किया कि 5 मिनट में एक बार अगर हमें कन्फर्मेशन मिल जाता तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए भी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर जाना चालू किया और यहाँ पे कहीं पे आप देख रहे हैं एक बार क्योंकि ये गैप था, गैप को टच करते ही मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस लिया और डे हाई को क्रॉस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लगा लिया था, सपोर्ट लेवल लगा लिया था। सपोर्ट लेवल को जब भी मार्केट टच करेगा अगर वहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना देता 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि आप लोग को यहाँ पे भी विजिबल है, इसमें ऑलमोस्ट 9:55 की जो कैंडल है ये ग्रीन बन चुकी थी। इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद से हमें एक बार कन्फर्मेशन हो गया था कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो चुका है। एक बार मैं आप लोग को भी यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि प्राइस एक्शन बन कैसे रहा था। ये मार्केट हमारा नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद से ये ऊपर गया, ऊपर खुलने के बाद से ये फिर से नीचे आकर के एक बार सपोर्ट पे आया और फिर इसने एक हायर हाई बनाने की कोशिश की। अब जब यहाँ पे मुझे कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पे एक पोजीशन हम लोग बना सकते हैं तो मैं बस वेट कर रहा था कि एक कैंडल जो इस हाई को अगर निकाल देती है तो फिर वहाँ पे मैं पोजीशन बना लूँगा। हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से फ्रेंड्स हमारा जो सेटअप होता है हमेशा 1:2 का होता है। यहाँ पे अगर ये स्विंग के नीचे निकल जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे करके निकल जाता। एनी हाउ 1:2 के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रॉफिट एरिया था, जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग था वो करीब 36-50 के अराउंड का था। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे भी एक स्विंग है, कि यहाँ पे मार्केट ने एक यूटर्न लिया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन जोन खींच करके रखी हुई थी। ये ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइन को मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था। इस ग्रीन लाइन को टच करते ही मैं अलर्ट हो गया था कि अब कभी भी मुझे अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ सकती है। मैं आपको अपनी पोजीशन और एंट्री और एग्जिट टाइम भी एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। जब मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम किया तब मेरे को ये मेरी साइकोलॉजी ने बोला कि इतना बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम सस्टेन नहीं करना चाहिए। और वहीं हुआ भी, यहाँ पे टच करते ही अपना टारगेट के पास आते ही मार्केट ने नीचे आना चालू कर दिया और फिर वो मार्केट साइडवेज हो गया। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ हमारी एंट्री और एग्जिट के ऊपर। आज की हमारी जो एंट्री थी वो काफ़ी परफेक्ट थी और एग्जिट भी काफ़ी परफेक्ट निकाली हमने। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जिस अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ, जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन ऑलरेडी आप लोग को विजिबल होगी। ये मेरे सारे ऑर्डर्स हैं 9:59 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:59 पे ये आज का पोजीशन है। 9:59 पे हमने ट्रेड लिया हुआ था, हमने सेल किया था 35,400 का पी। हम लोगों ने शॉर्ट इसलिए किया था क्योंकि हमारा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा। एक बार पी शॉर्ट करने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 145 का टारगेट लगाया हुआ था, लेकिन इस टारगेट को मैंने बाद में कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये टारगेट आसानी से अचीव नहीं होगा क्योंकि ये एक आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस था। देन यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं 10:12 पे हमने कहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट की है। अब मैं ले चलता हूँ आप लोग को चार्ट्स के ऊपर और एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हमारी एंट्री कहाँ पे थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और हमारी एग्जिट कहाँ पे थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अपने चार्ट्स के ऊपर 9:59। इसमें आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो 10 बजे वाली कैंडल है, 10 बजे वाली ये कैंडल जो है, इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेड कैंडल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बार मैं आप लोग को दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये जो 10 वाली कैंडल थी 9:59 के अराउंड पे हमने कहीं पे ट्रेड किया था, तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट था इस जगह पे और इस पॉइंट पे एंट्री लेने के जस्ट बाद ही मार्केट ने बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम किया। इस मोमेंटम को देख करके ही मुझे रियलाइज हो गया था कि ये मोमेंटम सस्टेन नहीं कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा शार्प मोमेंटम था। देन फ्रेंड्स इस कैंडल के अराउंड पे कहीं पे हमने अपना एग्जिट कर लिया था। एग्जिट करने का रीज़न इसके पीछे का ये था कि ये फ्रेंड्स जो कैंडल थी बहुत ही तेज़ी से ऊपर गई थी और जब ये कैंडल को मैं देख रहा था, कैंडल को जब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगी, तब मैंने अपना कहीं पे पोजीशन इस कॉल आउट कर लिया था। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम लोग अपने 1 मिनट चार्ट्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था वो 9:59 यहाँ कहीं के अराउंड पे था और जो हमने एग्जिट किया था, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखा था कि ये जो कैंडल है ये एक मतलब सेलिंग कैंडल बन रही थी। इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल मुझे छोटी सी दिख रही थी और ये मेरा ऑलरेडी एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग लेवल था। एक लॉट मैंने शॉर्ट किया था। इस कैंडल को देखते ही मैं समझ गया था कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ सकता है। कल अगर हमें 35,900 के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग मिलती फर्स्ट 15 मिनट्स नेगेटिव कैंडल का, तो हम लोग मार्केट को फिर से शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक सेलिंग का प्रेशर अभी भी बना हुआ है। जब तक कि 37,000 के ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक एक सेलिंग का प्रेशर इसमें बना रहेगा। मैं यही कंसिडर करके चलूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।